नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग खम्मा घड़ी। मैं हूँ मुखातिब सुषमा आप सभी से। रंग बिरंगे रसों से भरा मेरा प्यारा राजस्थान, वीरों की धरती राजस्थान की वीरता और शौर्य का नाम उसको नमन। गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत का ये प्यारा सच्चमन है राजस्थान। और आज 30 मार्च राजस्थान दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान, जहाँ के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को नमन किया जाता है। यहाँ के लोग कलाएं, समृद्ध संस्कृति, महल, व्यंजन, यानी इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक विशिष्ट पहचान रखती हैं। और ऐसी ही एक विशिष्ट पहचान वाले अतिथि आज हमारे स्टूडियो में। जी हाँ, हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि श्री महेंद्र सुराना जी, जिनके नाम के आगे हमारे सभी विशेषण मुझे लगता है कि बौने से लगते हैं। राजस्थानी संस्कृति में पले बढ़े, इसे भीतर तक जज्ब करने वाले, जो इनकी शख्सियत में स्वयं ही झलकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी, राजस्थान के लोक संगीत को जिन्होंने अपनी जिंदगी
जिंदगी में पूर्ण रूपेण उतारा है। और मैं तो कहूँगी संगीत क्यों, वहाँ की संस्कृति, कला, साहित्य और बहुत सी चीज़ें जो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू बनी हुई हैं वो आपकी शख्सियत में नज़र आती हैं। और आपका ये सफ़र मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, RPS, RAS, IAS, दैट्स वंडरफुल। इसके अलावा अगर महेंद्र सुराना जी की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी, कौन भूल सकता है उसे। और 2003 में इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया जो आज तक बना हुआ है। तो इन शख्सियत को हमारा बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। और आज जैसा कि आपने बताया राजस्थान दिवस, इससे बेहतर कोई उपलक्ष्य हो नहीं सकता। आपने मुझे बुलाया, रामनवमी भी है आज, तो प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। उसे कहते हैं ब्लू सिटी जोधपुर, जहाँ से आप निकले हैं। जी, जोधपुर। तो एक बड़ी खूबसूरत सी शुरुआत आपकी रही है। आपको क्या लगता है कि कहाँ तक हमारा ये राजस्थान आपको, मतलब किसी को भी प्रभावित करता है? पधारो हमारे देश का वाक्य, यहाँ की मिट्टी में जो रचा बसा सा महसूस होता है, इस वाक्य में एक सम्मोहन है, एक सम्मोहन शक्ति है। जो भी यहाँ आता है चेहरा खुशी और मुस्कान से उसका खिल उठता है। क्या वो सम्मोहन शक्ति है राजस्थान की? देखिए, जब हम किसी भी जगह की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, तो हम आवश्यक रूप से वहाँ की संस्कृति की बात करते हैं। और जब संस्कृति की बात करते हैं तो हम परंपराओं की बात करते हैं, रीति रिवाजों की बात करते हैं। और वो सारी बातें जो अभी आपने राजस्थान के बारे में कही, वो उन सब की बातें करते हैं। लेकिन उन सब का जो मिश्रण है, लोगों का रहन सहन कैसा है, लोग कैसे हैं, बोली कैसी है, बातचीत कैसे करते हैं, खान पान उनका क्या है, और उनका पारस्परिक औरों से संबंध क्या है, और इन सब चीज़ों को मिला करके मुझे याद आता है डॉक्टर LM सिंघवी, जब वो हाई कमिश्नर थे UK में, हिंदुस्तान के, तो उनको हाउस ऑफ कॉमन्स में बुलाया गया जी। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब स्वयं बता रहे थे कि मैंने डिफाइन किया जोधपुर को। अच्छा। कि मैं जोधपुर का रहने वाला हूं, तो मैं सबसे पहले जोधपुर क्या है, तो उन्होंने कहा जोधपुर को डिफाइन करूंगा एक शब्द में, अपनायत। यानी अपनापन से और घी में तलिए, चाशनी में लपेटिए, मिठास घोलिए, और जितना सॉफ्ट आप हो सके। तो ये जो आत्मीयता है, ये लोगों को आकर्षित करती है दुनिया भर के, हिंदुस्तान के और यहाँ के। और मैं तो ये कहूँगा कि ये अपनायत का जो भाव है, ये पूरे प्रदेशवासियों में है। और जो प्रवासी भारतीय हैं, जो और जगहों पर फैल गए, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं। बिल्कुल, तो प्रवासी भारतीयों पर जब नजर पड़ती है तो मुझे लगता है उसमें 80% तो राजस्थानी नजर आते हैं। जी, राजस्थानी, और राजस्थानी में भी मारवाड़ी काफी ज्यादा, मान लीजिए। हाँ, जब मैं चूरू पोस्टेड थी तो जब मैं बस से जाती थी वहाँ पर, तो रस्ते में लोग बात करते थे कि ये जो इलाका है, मतलब ये सीकर, झुंझुनू, ये जो शेखावाटी या जो, यहाँ का कोई एक शख्स आपको किसी ना किसी देश में जरूर मिलेगा, मतलब इतनी ज्यादा तादाद में लोग फैले हुए हैं। मिलेंगे, और बिल्कुल राजस्थानी। और अब तो हर जाति के, हर धर्म के, हर जगह के राजस्थान के अब मिलेंगे, क्योंकि इतनी समन्वयवादी अपनी जो संस्कृति है, तो उसके कारण से रच बस गई है ये बात सभी में। बिल्कुल, और वैसे भी मुझे लगता है मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं रहते राजस्थानी। उसी मेहनत का नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं राजस्थान का एक अलग ही अद्भुत सा चेहरा। इतने सालों की ये जो यात्रा आपने एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे की है, हम चाहेंगे कि उस समय जो आपकी झोली में अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्हें आज आप सभी से शेयर करें। सबसे पहले बात करना चाहेंगे राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर की। आज के वक्त में लोग पढ़ने के लिए ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं, और मैं नाम लेना चाहूँगी कोटा का खास तौर पर, लेकिन बहुत सारे हैं। और अब तो माननीय CM साहब ने जिस तरह से अनाउंसमेंट्स किए हैं मेडिकल कॉलेजेस की और अलग अलग तरह के कॉलेजेस की, तो मुझे लग रहा है काफ़ी तादाद में बच्चे बाहर से आते हैं। जी, तो क्या स्थिति तब थी और कितना बदलाव इसमें आया है? देखिए, बदलाव तो क्रांति हो गई, आप यूँ मान लीजिए। जब मैं छोटा था तो पढ़ाई करना या नहीं करना अति महत्वपूर्ण नहीं था। हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस है, और एलिमेंट्री एजुकेशन तक स्कूल्स हैं, और एनुअल एग्जाम्स भी आ गए, और कोई शादी आ गई और कहीं बाहर जाना है, तो पेरेंट्स कहते चलो मैं मास्टर साहब को कह दूंगा, उपास कर देंगे। वो इस प्रकार की बात थी, यानी वो प्रायोरिटी नहीं थी।
और अब तो महिला शिक्षक की बात करें अपन कई करें तो महिलाएं और आगे चली गई। मैं आपको बताऊंगा, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी बन गई, मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, उस समय पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की थी, वो भी प्रोफेसर चारी थे, उनकी डॉटर थी, ही वॉज डीन देयर। तो सब लोग कहते अरे यार लड़की है, अरे लड़की लड़की, मैंने MBA किया वहां पर, तो वहां पर 3 बैच तक तो कोई लड़की थी नहीं, 4th बैच में जाकर के एक लड़की आई, तो ये कहते थे लड़की आई। और अब तो इंजीनियरिंग हो चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे डॉक्टरी हो, कोई भी पेशा हो, लड़कियां आउट नंबर करती है। तो एजुकेशन का प्रसार जो अभी आपने कहा और मुख्यमंत्री जी का आपने जिक्र किया, तो जिले जिले में मेडिकल कॉलेजेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तो राजस्थान तो सबसे आगे जा रहा है सर। और हम देखें तो प्रधानमंत्री जी का भी जो फोकस है वो इसी चीज को लेकर के है कि एजुकेशन कैसे हो, लोग स्किल्ड कैसे हों, हुनर कैसे हो, स्पीड कैसे हो, साथ में वो उसकी भी जिक्र करते हैं और आगे कैसे बढ़ें और विजन होना चाहिए। तो ये सब चीजें हो रही है राजस्थान में, विकसित तो हो रहा है बिल्कुल, और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है जिसके लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, वो सदैव ही रहती है। एक चीज में इसमें और आपने एजुकेशन का पूछा तो ये एक और कहना चाहूंगा कि एक थोड़ा मुझे अंतर लगता है, मुझे याद है प्रोफेसर वीवी जॉन वाज द वाइस चांसलर जोधपुर यूनिवर्सिटी के उस समय। उन्होंने क्या क्या सब जो जितनी ख्यातनाम हस्तियां थी हिंदुस्तान की हर विषय की वो लाए, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे उनको लेकर के आए और उन्होंने डायरेक्टर फॉरेन स्टडीज उनको बना दिया, प्रोफेसर नामवर सिंह हिंदी के उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोफेसर वाई के अलग बड़ा हंगामा हुआ कि साहब वो 3rd डिविजनर MA में, लेकिन वो बाद में मंत्री भी बने, इकोनॉमिक्स का हेड बना दिया, प्रोफेसर कृष्णामूर्ति को लेकर के कई कई तरह के कई नाम है मैं कहाँ का। तो सबसे बड़ा फोकस ये हुआ करता था राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, भी कहते हैं कि मोहन सिंह मेहता जब यहाँ वाइस चांसलर थे तो हिंदुस्तान के बड़े 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 शिक्षाविदों को लेकर के यहाँ पर आए और सब्सिक्वेंटली वो लोग बाद में प्रकारांतर से और समयांतर से वो वाइस चांसलर्स वगैरह बने। तो सबसे बड़ी चीज है ह्यूमन रिसोर्स, वो बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा जोर है, अटेंडेंस कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है पूरी, तो वो आकर्षण होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना पधारो मारे देश, तो वो आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, आ रही हूँ थारे देश। तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए कि कॉलेज में ये कहे कि मैं आ रही हूँ, लेकिन कॉलेज में वो बात वो मजा नहीं रहा, ये थोड़ा विसंगति है जिसे सुधारना होगा। जब हम आत्मावलोकन कर रहे हैं, राजस्थान दिवस मना रहे हैं, ये मेरा निवेदन है। तो महेंद्र सुराना से ये बातचीत यूं ही चलेगी म्यूजिकल ब्रेक के बाद, साथ रहिए सुनते रहिए। जाओ जी मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, अरे चले मन बंगा दी मैं कह लगे मर टिकड़े में जागी धोखनी है चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भा दी खुशी रे झुम 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 झा झुम ओ मारे इबड़े में जागी धोखनी है चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भा दी खुशी रे झुम 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 झा झुम।
रेडियो पिंक 100.3 एफएम और 101.2 एफएम हेलो जयपुर में मैं सुषमा आपके साथ, हमारे साथ हैं महेंद्र सुराना जी। सुराना साहब, बात हुई एजुकेशन की, अब आते हैं इसके साहित्य पर। बहुत से साहित्यकारों ने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, जिनसे हम जान पाते हैं कि राजस्थान वाकई में क्या था और कहाँ तक इसकी यात्रा आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँची है। साहित्य की जब हम बात करते हैं तो कौन से वो नाम है जो आपके जहन में आते हैं और जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है साहित्य के ज़रिए यहाँ तक हमारे राजस्थान को आगे की जनरेशन को बताना। और मैं जानती हूँ कि जो लिटरेचर होता है वही एक ज़रिया होता है यहाँ की संस्कृति को जानने का, यहाँ के बारे में जानने का, यहाँ के लोगों को जानने का। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। आपने भी कभी कुछ लिखने का प्रयास किया? जी देखिए, मैंने लिखने का प्रयास तो मैंने नहीं किया, और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैंने अपनी बातों को अपने अंदाज में रखा। बहुत रिसर्च करते थे आप? हाँ, रिसर्च काफी होती थी और 900+ एपिसोड्स 30 वर्षों में ये इस तरह से हुए तो वो करते थे। लेकिन राजस्थान के जब साहित्य की हम जब बात करते हैं, राजस्थान की भाषा की जब बातें करते हैं, या जो बोलियां हैं, या लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां, इन सब की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बड़ी आत्मीयता है जी। और आत्मीयता इसलिए है कि वो लोक से जुड़ी हुई बात है। अब हो ये रहा है कि हम कई बार कहते हैं कि जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राजस्थानी को भाषा के रूप में मान्यता दी जाए जी। तो हम कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थानी में साहित्य नहीं है, उसका सृजन नहीं हुआ, ये तो बोली है। फिर वो कहते हैं राजस्थानी नाम की कोई बात नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि कोई कहते हैं मारवाड़ी है, कोई कहते हैं वो थोड़ा ढूंढाड़ी है, कोई वो ब्रज भाषा है। फिर अलग अलग जो अंचल हैं उन सब की वो नाम गिनाने की जरूरत नहीं, कुछ वो कहते हैं वो है। बदल भी जाती है ना, हाँ, बदल भी जाती है। फिर कहते हैं उप बोलियां हैं, ये है वो है। लेकिन मैं मोटे रूप से ये कह सकता हूं कि जब हम ये देखते हैं तो जो मारवाड़ी साहित्य है, मारवाड़ी साहित्य का जो साहित्य जिसे हम कह सकते हैं जिसकी रचना हुई है, और जिसे डिंगल हम वो कहते हैं, और ब्रिज का उधर का पिंगल जिसे अपनी कहते हैं, तो अब मैं विस्तार में इसमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम देखेंगे तो इतना विशद है। लेकिन बात एक ही है कि इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। कई लोगों ने बड़े संकलन किए हैं कहावतों के बारे में, उन्होंने ढूंढा है बोलियां क्या थी, रीति रिवाज क्या थे, लोग कैसे अपनी बातों को कहते थे। अब मान लीजिए कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई कथा कहता है, तो उसके माध्यम से ये चीजें प्रचलित होती रहती थी। लेकिन जिसे लेखक जिसे कहना चाहिए कि प्रदेश के हर अंचल के लोगों के बारे में साहित्य सृजन हुआ हो, वो उतना नहीं है। और है भी तो उसको ढूंढा जाना, उसके लिए प्रयास करना, यद्यपि कई लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग श्लाघनीय प्रयास किए हैं, उन सबको साधुवाद। बिल्कुल, बात करें, बहुत सी फिल्में भी बनाई जाती हैं राजस्थान फिल्म्स की, जब हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है जो राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यहाँ की कला और साहित्य से जुड़ा हुआ है जी। किस तरह से आप इन्हें भी एक आईना मानते हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत आगे आने की जरूरत है क्योंकि उस दृष्टि से इनकी पहचान नहीं बन पाई है। देखिए, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की जो पूरा संपदा है उनकी जब हम बात करते हैं तो उससे आकर्षित होकर के लोग यहाँ आते हैं।
मुझे याद है 2002-03 के अंदर एक फिल्म सिटी यहाँ पर स्थापित करने के लिए पहली बार मुख्यमंत्री थे श्री अशोक गहलोत जी, तो उन्होंने बीना कागजी के नेतृत्व में वो भिजवाया था एक डेलीगेशन बॉम्बे, जिसका मैं भी एक सदस्य था, और वहाँ सन एंड सैंड होटल में हमने प्रेजेंटेशन दिया था, फला दिया था। तो हमारी मूल बात तो ये थी कि आप पधारो हमारे देश, आपको अगर शूटिंग करनी है वन पॉइंट प्रोग्राम कहने की बात नहीं है, यू विल गेट इट, नो चार्जेस, नथिंग डूइंग, कोई पैसा भी नहीं लेगा। अगर आपको आना है आप आइए, जमीन दी जाएगी, आप स्टूडियोज बनाइए, ये फैसिलिटीज बनाइए। ये बात ये थी या मूल ये था उसके उसमें कि जब लोग यहाँ आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ भी फिल्में बनाएंगे, और यहाँ जो फिल्में बनाएंगे तो और लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर होने से यहाँ आएंगे। और उस समय जो कश्मीर के हालात थे या और जो चीज़ें थी, उससे भी लोगों का ये था कि हम राजस्थान जाएँ, राजस्थान जाएँ। लेकिन बार बार बात होती रहती है, बात वहीं की वहीं ढाक के तीन पात वो रह जाते हैं। तो मैं ये निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इसको शोकेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब राजस्थानी लोक गीत है, मान लीजिए लोक संगीत है, कितना मधुर है, लेकिन अब उसका समन्वय करना, पूरे अन्य भाषाओं के लोग उसको समझ सकें, देख सकें। तो आपने देखा होगा फिल्मों में जहां जहां इसका प्रयोग किया गया है वो तो एक अपने आप में रिकॉर्ड बन जाता है, बहुत फिल्मों में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो टैलेंट है, आपने देखिए मांगणियारों की बात करें, लंगाज की बात करें, गाना अभी आपने चलाया, विश्व पटल पर कहां चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें असीम संभावनाएं हैं, इनको और तराशने की, और तलाशने की, और गांव में जाने की। मैं बात वैसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कि मैं कमिश्नर रहा था अपने आर्कियोलॉजी और म्यूजियम का, तो मैंने इन चीजों को ये देखा है। अपूरा संपदा है हमारी, बिखरी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, चुराई जा रही है। हमने मेरे दिमाग में उस समय आइडिया आया था, मैंने विजय वर्मा साहब जो कि विश्वविख्यात, मतलब राजस्थानी के बारे में, संस्कृति के बारे में उनसे बेहतर मैं तो किसी को जान, उनके अध्यक्षता में मैंने एक समिति बनाई कि सर आप हैं रूल्स, आप हैं रेगुलेशन, आप हैं गवर्नमेंट, आप हैं डायरेक्टर या कमिश्नर, मुझे तो आदेश दीजिए, आप महीने में एक बार मीट करिए, ये चीजें करनी। तो उसमें आइडियाज ये थे कि जितने भी स्कूलें हैं आसपास की, सब जगह स्कूलें हैं, बड़ी स्कूलें हैं, जो भी है, उन सबको कह दीजिए कि भाई ये आपके जुम्मे, ये पूरा संपदा, इसको आपको संभालना है, आपको जाने का रास्ता बनाना है, पत्थर ढंग से रखना है, पगडंडी सी बनानी है, और आपको देखना है कि इसको कोई लूट करके नहीं ले जाए, इसको चुरा करके नहीं ले जाए, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिर सरकार थोड़ा पैसा दे, फला करे। आज हम बात करते हैं कितना, मैं कहता हूं क्रांति हो सकती है। आज आप एक सर्वे भी अगर अपन करें तो जयपुर के लोग, राजस्थान के लोग, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में, हम किलों की बात करते हैं, हवेलियों की बात करते हैं, कलाकृतियों की बात करते हैं, लोग कितने लोग हैं जो जिन्होंने देखा है। आप जयपुर में सर्वे कर दीजिए, कितनों ने नारगढ़ को देखा है, अल्बर्ट हॉल को देखा है, जंतर मंतर को देखा है, हवा महल को देखा, नहीं देखा। तो मैं कहता हूं ऐसा क्यों नहीं प्रयास हो कि आवश्यक रूप से राजस्थान में जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, सारे बच्चे आवश्यक रूप से एक बार, अगर जयपुर कहे तो जयपुर में जाएंगे, और देशाटन करना है तो और जगह जाइए। कितनी दुखद बात है कि दुनिया तो यहाँ पर आती है, पधारो हमारे देश का नारा करते हैं और इनको हम रोकते हैं। तो हो ये गया कि जितना भी या तो जो अक्षुण रखी गई है, जो किले हवेलियां हैं वो कमर्शियल हो गई है, और अभिजाति वर्ग के लिए वो खुली है। बिल्कुल, कमर्शियल की आपने बात करी तो बहुत सारी वेडिंग डेस्टिनेशंस बन चुकी हैं, वो होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि उनके रख रखाव की बड़ी समस्या है, रख रखाव के लिए पैसा चाहिए, वो सारा होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग, लोक की बात करते हैं, लोक संगीत की बात करते हैं, तो फिर लोक कहाँ है, लोक विलुप्त हो गया। प्रश्न यह है कि आज एक आम आदमी की अस्मिता, राजस्थान दिवस पर मैं चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं, ये मेरे मन में सालता है, क्योंकि मैं भी जब छोटा था, मैं भी कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो कई चीजें वो दिमाग में आती थी, होती थी, रिएक्ट करते थे। तो आज आम आदमी की अस्मिता नहीं है, प्रदेश के लोगों की मैं विशेष रूप से देखता हूं, किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई चला जाए तो सोचता है कि मैं किसी को सिफारिश लगवा दूं कि मेरी बात को सुन ले, काम तो बाद की बात है। आप कर लीजिए, मैं समझता हूं कि 99% लोग ये कहेंगे। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को गले लगाएं, पधारो हमारे देश तो है, पर जो है जिका है अटे वाने तो ले जावा, वाने तो कहां थे, पधारो भाई, थे आओ, थे इन्हें संभालो, उन चीज की बहुत जरूरत है, वाह अटे अब मिस कर रही है, ईमानदारी की बात तो आ है।
और दिल निकला जरा क्यों नहीं पड़ी कि वो आप इतने मान सम्मान आत्मीयता बुलाया और राजस्थान दिवस की बात करा तो ईमानदारी रो तक जो है आप बात क्यों नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी हमारा जो राजस्थान क्षेत्र है, प्रदेश जी, है जी, वो काफी अपना नाम बना रहा है। बात करें चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। आप जैसे SMS हॉस्पिटल की बात करते हैं, मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी का जिक्र करना चाहूंगा। अभी आपने देखा उनका विजन हमने देखा है, इसी प्रकार से कई और जो पूर्व प्राचार्य आए होंगे अपने SMS मेडिकल कॉलेज के और जो हॉस्पिटल SMS वगैरह इन सबको देखा होगा। लेकिन कोरोना के टाइम्स में हमने देखा उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें राज्य सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए कितना इन्वेस्टमेंट आया, तो अपने यहाँ पर रेट्स काफी रीजनेबल है जी। और अपनी जो आत्मीयता है, एक एक रोगी को मरीज को क्या चाहिए, इलाज तो अपनी जगह है, वो इलाज होता रहेगा, लेकिन जो आत्मीयता का भाव, जो डॉक्टर्स अपने जिस प्रकार से प्रेम से उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो बाहर ऐसा नहीं होता है, तो बड़ी जबरदस्त संभावना है। आप सही कह रही हैं जी। तो श्रोताओं सुनते रहिए रेडियो पिंक 300.3 FM एंड 101.2 FM पर महेंद्र सुराना जी की खास बातचीत आज बहुत ही विशेष दिन पर हम आपके साथ हैं। मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बुरी बात है ये मनमानियाँ, हुई जान कर जो ना दानियाँ, गुनहगार की तरह क्यों खड़ा, अभी मांगता मेहरबानियाँ, करे क्या करे नहीं जानता, गलत मोड़ जो मोड़ा रास्ता, तेरी चाह में हुआ दिल मेरा सजा याफ्ता, खम्मा घड़ी आओ रे मारो साया, समझा पर दिल को कैसे समझाऊं, उन्हें दर्द मैं कहूं या दवा, जिन्हें याद मैं करूं 100 दफा, सुनहरे उन्हीं दिनों से बता, पड़ा है कभी तेरा वास्ता, करे क्या करे नहीं जानता, गलत मोड़ जो मोड़ा रास्ता, तेरी चाह में हुआ दिल मेरा सजा याफ्ता, खम्मा घड़ी आओ रे मारो साया, खम्मा घड़ी सजना दरिया, खम्मा घड़ी आओ रे मारो साया, खम्मा घड़ी सजना। महेंद्र सुराना जी, प्रशासन क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे और इतने लंबे समय तक आपने ये बागडोर संभाली है, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंसेस रहे, अलग अलग किस्म के लोगों से आप मिलते थे, बहुत कुछ नया करने की प्रयास आपने किया और बहुत कुछ किया, प्रशासन में संवेदना कैसे लाने का प्रयास किया?
देखिए सुषमा जी, बड़ा संवेदनशील आपने सवाल पूछा। देखिए वैसे तो हर प्रशासनिक अधिकारी या कार्मिक होता है वो अपना कर्म करता है और पूरी शिद्दत के साथ करता है, ये अपेक्षा भी की जाती है और करते भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक चीज मैंने देखी कि आम तौर पर व्यक्ति थोड़ा बचकर के चलने की कोशिश करता है, करियरिस्ट रहता है कि मैं करियर कैसे बनाऊं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं सस्पेंड भी हो गया, मैं और कोई चीजें भी बीच में हो गई। मैं एक उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से, और पेटेंटली इलीगल काम मैंने किया, आई से एयर पे जा रहा है किया। लेकिन क्या मेरा ये मानना है कि दुनिया में अपराध या क्राइम तब होता है जब उसमें मेंशनिया या गिल्टी इंटेंशन हो। इंटेंशन गलत नहीं है, हम कानून को तोड़ते हैं, नियमों को तोड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। कई तरह की चीजें प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी करते हैं। मैं स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर था जी। लोग यहाँ पर बुजुर्ग आते थे, रोते थे कि हमारे पैसे नहीं मिलते क्योंकि कटौतियां होती, वो 20 साल 30 साल अलग अलग जगहों पर रहा, वहां कटौती कहीं इस जिले में हो गई, वहां हो गई, छोटे गांव में हो गई, और वहां से हिसाब नहीं आ रहा है, रिटायर हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने एक सिस्टम बना दिया, एक चिट्ठी लिखिए, पोस्ट कार्ड आप हरी स्याही से लिखिए, आपको मैं गारंटी देता हूं 30 डेज में 100% पेमेंट होगा, नहीं तो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी से दूंगा। 100% मामलों में ऐसा हुआ। लाल स्याही से लिखिए, कई ऐसे लोग थे जो चले गए यहां से नौकरियां छोड़ करके, अब उनके बारे में सुनता ही नहीं कोई, विदेश चले गए, आते थे रोते थे 30 डेज। फिर कई एक आकस्मिक मिलता था, 2 लाख रुपए की राशि, कोई सांप काट गया, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई, फला नहीं मिलता था, काली स्याही में लिखिए। और एक दिन एक एडिशनल डायरेक्टर ने आके कहा, सर आज ये नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई कर दीजिए, एडिशनल डायरेक्टर आई एम टेलिंग, मैंने कहा 8 बजे तक शाम को हो जाना चाहिए, या ये सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करा रहा हूं, सस्पेंशन ऑर्डर ले जाइए, मैंने लोगों से ये वादा किया है, विश्वास हम नहीं तोड़ सकते। एक उदाहरण। और यही इंश्योरेंस में, एक दिन आपने देखा होगा रिटायरमेंट होता है, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो लास्ट डे उनका विदाई समारोह होता है, तो वो विदाई समारोह 5-7 दिन बाद हो रहा था। अच्छा। स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट 700-801 की छत के नीचे कर्मचारी सब इकट्ठे हो गए, मुझे बुलाया, आके बैठा, मैंने देखा एक महाशय थे, वो बड़े हट्टे कट्टे मुस्लिम थे, टोपी लगाई हुई वगैरह, बड़े हट्टे कट्टे, अच्छी पर्सनालिटी। मैंने कहा ये रिटायर कैसे हो रहे हैं, मुझे लगा थोड़ा ताज्जुब सा हुआ, मैंने कहा भाई आप रिटायर हो रहे हैं, क्या बात है, क्या एज है आपकी? कि सर मेरी एज तो 50 साल या इस तरह का कुछ बताया उन्होंने, इतनी है। तो मैंने कहा रिटायरमेंट क्यों? कि सर मैं टोंक से रोज आता हूँ, मेरे पैर घुटने इतने हैं कि मुझे ये मदद करते हैं बड़े दया कर करके, जो रोडवेज के जो है ड्राइवर और कंडक्टर मुझे उठा के वो बैठाते हैं, फिर मैं यहाँ आता हूँ बनी पार्क में, मुझे आपके ऑफिस के आगे उतारते हैं, फिर शाम को मुझे ये चढ़ाते हैं ये। और भाई तो मुझे कह देता, मैंने कहा मैं तो आई एम टू लिबरल, मैं तुम्हारी ट्रांसफर कर देता। सर ये जो पोस्ट है यहाँ पर, ये जो जेल साज की वगैरह, ये हेड ऑफिस में ही है, वहां पर नहीं है। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा हम कितनी बातें करते हैं, गलत ट्रांसफर्स करते हैं, गलत प्रमोशंस करते हैं, गलत चीजें करते हैं, ये इतनी बड़ी चीज। मैंने कहा बच्चे सब, 4-5 बेटियां ऐसा कुछ बताया, शादी नहीं हुई हुई, बच्चा छोटा है। मैंने कहा क्या होगा इस व्यक्ति का, आप देखिए मैं गलती की बात कर रहा हूं। जब मेरा नंबर आया भाषण देने के लिए, वो रिटायर हो चुका है, 5-7 दिन आगे हो चुके हैं, मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा ये विदाई समारोह नहीं है, ये स्वागत समारोह है। हम कई गलतियां करते हैं, कई उल्टी सीधी चीजें करते हैं, इनका जो रिटायरमेंट ऑर्डर मैंने साइन किया है एज एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मैं उसको विड्रॉ करता हूं, फाइल में लगाता हूं, और ये रिटायर नहीं होता, ही वुड कंटिन्यू। और साथ ही साथ में यहां से एक पोस्ट को टोंक में मैं ट्रांसफर करता हूं। आप आधा मिनट और लूंगा, आप करिश्मा देखिए, हो गई बात, आई गई हो गई, चला गया वो व्यक्ति। मेरी वाइफ की पोस्टिंग कलेक्टर टोंक थी, मैं वहां पर गया, वहां बैठा था तो एक चपरासी आया वहां का, सर आपसे कोई मोहतरमा मिलने के लिए आई है, कोई 2-3 बच्चियां और वो साथ में है। मैंने कहा भाई कौन है? वो कह रही है साहब से मिलना। मैंने कहा साहब का मतलब मेरी वाइफ से, कह रही होंगी शी इज कलेक्टर देयर। तो वो कह नहीं 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 साहब, वो इतने स्मार्ट होते हो समझते, वो आप ही की बात है साहब, वो आपसे मिलना चाहती। मैं मिलने गया एक मोहतरमा, वो आई साहब फफक कर पड़ पड़ी और वो कहती बुरका पहने हुए कि आपने कमाल कर दिया। वो कुछ दिनों बाद में फिर उनका देहावसान हो गया, लेकिन कंपेशनेट ग्राउंड पर मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। अच्छा। और यहाँ पर ये नियम ये है कि सरकारी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती वाइल इन सर्विस तो डबल द अमाउंट एश्योर्ड या इंश्योर्ड वो मिलता है। तो ये मेरा हो गया। और वो देखिए और जार जार रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। अब ये उनको मालूम पड़ा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ, पेटेंट इलीगल, नोबडी कैन डू, ही वाज नो मोर ए सर्वेंट, वो नहीं था, लेकिन आई डिड इट बिकॉज
ये मानवता की, तो आज इस प्रकार का भावना होनी चाहिए। यहाँ पर 700-800 लोग थे, 150 लोग ऐसे थे जो आते नहीं थे, कोई थोड़ा तबीयत खराब हो गई, कहीं के अंग काम नहीं करते, कुछ ऐसा होता। मैं उनको कहता था कि आप आइए आइए, वो कि हम नहीं आ सकते। मैंने कहा आपका बच्चा है का बेटा बेटी उसको भेज दीजिए, काम पूरा कराइए, एंट्रीज करना, फना करना, ये करना। मैं उनको आई अनऑथराइज्ड कुछ नहीं, मैं गवर्नमेंट में आई अलाउ देम। करीबन 100+ लोग काम करते रहे, काम अपडेट होता रहा, उनको भी बड़ी आत्मीयता फना और लोग आशित। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और एक अंतिम बात, मैं पाली कलेक्टर था, पानी की बहुत कमी थी, बीच में मेरी डॉटर का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर पैर कटने की नौबत आ गई, मुझे पता चला मैं यहाँ आया, पीछे बाढ़ आ गई। चीफ सेक्रेटरी का फोन आया, सुराना लौटो। मैं तो उससे मिल नहीं सका क्योंकि वो एनेस्थीसिया वगैरह दिया हुआ था, वो हॉस्पिटल में थी एसएमएस में। मैं वापस लौटा, जा नहीं सका, बाढ़ आ गई, ट्रकों में होकर के किसी तरह मैं पहुंचा। हेलीकॉप्टर वालों का फोन आया कि सर हम जा रहे हैं, हमने बचाना था बचा लिया, 5-7 की एक फैमिली है वो नहीं आ रही है। मुझे ध्यान था 17-18 लोग पहले मर गए थे बस के ऊपर, पाली के अंदर वो बाढ़ में बस बह गई थी। मेरे को ध्यान आया कहीं ऐसा नहीं हो, वो आ नहीं रहे, संभव के पानी बढ़ रहा है ऐसा, वो क्यों नहीं आ रहे, हमारा माल असबाब और इतने हम छोड़ करके नहीं आएंगे। मैंने कहा मुझे आप ड्रॉप करिए, सर इसमें फ्यूल नहीं है हेलीकॉप्टर में, कितना है, 10 मिनट्स का है सर। मैंने कभी कूदा कादी नहीं करी, मैंने कहा आप मुझे ड्रॉप करिए हेलीकॉप्टर में से, कलेक्टर मैं लेकर के आऊँगा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर से गया, मुझे वो टेकरी नजर आई और उन्होंने मुझे बांधा और नीचे उन्होंने डाल दिया और मैं नीचे कूदा। तो ऊपर से तो मुझे नजर आ रहा था लेकिन जब मैं गया तो कीचड़ में आधा घुस गया और मेरे को तो पता ही नहीं कि वो है किधर, वो दिशा भ्रम हो गया। फिर मैं बड़ी मुश्किल से निकला, पैरों को खींच के निकाला और फिर इधर उधर जाने लगा तो वहां पर एक जगह वो खेतों में से पानी आ रहा था, मेरे को ऐसा लगा मैं आधा यहां तक पानी के अंदर चला गया। एक औरत कहीं से चिल्लाई, अरे अरे इधर से नहीं, इधर से, वो उन्हीं में से वो मुझे देख रहे थे, उससे मुझे दिशा हुई, मैं लेकर के गया, एक एक को कर करके मैंने चढ़ाया। उन्होंने कहा हम तो नहीं चलेंगे, मैंने कहा कलेक्टर का नाम सुनाएंगे, नाम सुना है, कितना है तुम्हारा, 5 लाख 10 लाख, मैं दूंगा तुम परमा, तो एक एक को चढ़ाया। और आप ताजुब करिए, मानवीय स्वभाव की बात कर रहा हूं। फिर वही एक जो लड़की थी वो करीबन 20-22 साल की होगी, मैंने कहा वो कहां गई, वो रह गई ना, वो जो आवाज दे रही थी। तो वो थोड़ी देर में आई, मैं कपड़े बदलने गई थी, हेलीकॉप्टर में जा रही हूँ। तो एक मानवीय भाव, तो ये मेरे कहने का मतलब, अंदाज होना चाहिए। नहीं तो सरकारी नौकरी में मत आइए, करियर के लिए मत आइए, सेवा के लिए आना है तो आइए और कफन बांध करके आइए, तब परिवर्तन होगा, तब आदमी की अस्मिता होगी, उसको बुलाइए, गले मिलिए। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि इससे जो विकास की गति है वो और बढ़ेगी अगर ये आत्मीयता हर ऑफिसर के बिल्कुल हर आदमी जुड़ेगा, अन्यथा आप क्यों। देखिए पुलिस कितना जबरदस्त काम करती है, कितने घंटों तक काम करती है, उनकी भी फैमिलीज होती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन परसेप्शन बदलना होगा क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। आज अगर अपन कहेंगे उन्होंने ये काम किया, 10 सिफारिशें आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्या करेंगे। एक बार मुझे चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन ने पूछा, सुराना व्हाट डू यू फील, क्या करना चाहिए ट्रैफिक के लिए। एक व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति, मैंने कहा महेंद्र सुराना, क्या करोगे, मुझे डंडा दे दीजिए, वेदर ही चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, अगर वो भी गलती करता है तो मैं डंडा लगाऊंगा, ये ऑथराइज कर दीजिए। फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इज द इजीएस्ट ऑफ द थिंग, प्रोवाइडेड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सारा गड़बड़ वही हो जाता है, बाकी सब लोग सीधा चलना चाहते हैं, शांति प्रिय है। तो हमें इन बातों पर भी गौर करना चाहिए, कला संस्कृति और सारा पधारो हमारे देश के अलावा, जब हम स्थापना दिवस मनाते हैं आत्मावलोकन करने का, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तारित किया, विषयांतर किया। जी जी मैं तनहारा, मैं मनहारा, मैं जो हारा, मैं जग हारा, होश बिहारा, जोश बिहारा, मैं सब हारा, होश बिहारा, जोश बिहारा, मैं सब हारा, मैं अब हारा, बाबरे बाबरे
चमकीले चमकीले पल है बरसे झिलमिल करते लाखों तारे अलबेले अलबेले तन है लचकीले लचकीले तन है कोई अपना दिल कैसे न हारे ओ मैं तन हारा मैं मन हारा मैं जान हारा मैं जग हारा होश भी हारा जोश भी हारा मैं सब हारा मैं अब हारा रेडियो पिंक 100.3 एफएम एंड 101.2 एफएम हेलो जयपुर और हमारे साथ श्री महेंद्र सुराना जी और बातचीत राजस्थान की और चूंकि राजस्थान के हैं आप जोधपुर के हैं आप जोधपुर एक ऐसा शहर मिठास की बात आपने की थी शुरू में उनकी शब्दों में भी मिठास होती है जुबान में भी मिठास होती है लेकिन खान पान से विशेष मिठास होती है ये क्या राज है देखिए जोधपुर की जो अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपरा होती है वैसे सभी जगह है वो भाव सभी जगह राजस्थान का खान पान मतलब तो वो भी दुनिया में है लेकिन विशेष रूप से चूंकि मैं जोधपुर का मैं ज्यादा प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि मैंने उसको जिया है देखिए जोधपुर में क्या है कि मथानिया की मिर्ची लाल सुर्ख रंग होता है उसका लेकिन तीखी नहीं होती घी का खूब प्रयोग हिंदुस्तान में ऐसा एक शहर जहां रिटेल सबसे ज्यादा देशी घी बिकता है और सबसे ज्यादा मेवे सूखे मेवे रिटेल में बिकते हैं वो हिंदुस्तान में वो है जोधपुर अच्छा वहां पर आप देखेंगे दही का खूब प्रयोग शोरबा जो बनेगा इतना इतना घी उसमें होगा आप उंगली डुबा दीजिए और फिर वो दही में और वो तड़का लग करके और जो चीजें बनेंगी तो वो तो है आप अंदाजा लगाइए फिर मिठाइयां नाना प्रकार की मिठाइयां वहां पर होती है आपने देखा होगा नरगिस कोफ्ता मिर्ची बड़ा कचोरी वहां की प्याज की आपने कबूली कबूली का यहाँ प्रयोग करते हैं लेकिन वो बात बैठती नहीं है और नाना प्रकार की वहां तो बादाम का हलवा तो बनाना एक आम बात है हर घर में शादी हो कई प्रकार के बादाम के हलवे वहां पर बनाए जाते हैं तो ये जो झीमण की जो बात है या ये जो झीमण की जो बात और बुलाना परोसना पहले मुझे याद है परोसने के लिए गरम गरम जलेबी तो खुद जा रहे हैं बहरे नहीं खुद गए छाप में भरवा करके सीधा भट्टी से उस पर डाल के दौड़ते हुए आते और वो परोसते और वो कहते ये हलवा थोड़ा ठंडा है मैं अभी गरम लाता हूँ साहब वो गरम छाप को लेकर के आते और पहले जो लंबे समय तक तो मिठाई खाते थे शुरू में कोई पूड़ी और सब्जी लाता भी नहीं था अच्छा। जब बहुत हो जाता तो कहते भाई हमने खा लिया अब तू ले आ तो वो लाते पापड़ तो एंड में आता था तो ये परंपरा थी और एक मैं उसी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं कि देखिए आज कितनी बड़ी बड़ी शादियां होती हैं और आप मेन्यू कार्ड देखेंगे तो आप रह जाएंगे चकाचौंध के ये पता ही नहीं चलेगा कितने आइटम्स थे और कई बार ये होता है कि आप चार पांच लोग साथ गए तो वो कहेगा और आपने ये खाया कि नहीं कि वो कहाँ था मुझे पता ही नहीं चलता इधर उधर विस्तार ही होता काउंटर्स तो मैं निवेदन ये करूंगा कि आजकल मिठाई बाद में खाते हैं आपको मिठाई जितनी खानी हो दूध जितना पीना हो लेकिन जाते ही पहले उतना ही एक गुलाब जामुन है तो एक ही खाइए दो रसगुल्ले ही खाइए हलवा इतना खाना इतना लेकिन जाते ही खाइए अन्यथा क्या होगा फ्रेश होकर के आप जाते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं करते हैं घूमते हैं फिर वो आपको स्टार्टर्स वगैरह उसकी चपेट में आ जाते हैं षड्यंत्र करता हूं मैं तो और फिर उसके बाद में आप एक लाइन में रिचुअल की तरह चलते हैं कचौड़ी भी ले ली चार सब्जियां भी ले ली फना भी ले ली दही बड़ा भी ले लिया और फिर आप नमकीन भी ले लिया और फिर क्या करते हैं आप कि भाई झूठा नहीं पड़ जाए उसको खा करके ठस हो जाते हैं फिर आप जाते हैं मिठाइयों की ओर वो आपका इंतजार करती है और आप खा नहीं पाते ये परिवर्तन कीजिए चीजों को देखिए तो ये मेरा मानना है और समृद्ध इसलिए है दुनिया भर में लोग मानते हैं
तो जोधपुरी क्विजीन, और अब तो सभी जगह राजस्थान और अब तो जोधपुरी क्विजीन एक ब्रांड बन चुका है। अलग अलग सिटीज में आपको इस नाम से बहुत सारी दुकानें और चीजें हैं वो उपलब्ध हैं। देखिए आप बिल्कुल, चाहे वो हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें या नेशनल लेवल पे बात करें, तो राजस्थान ने खान पान के क्षेत्र में भी एक अनूठी एक अलग सी पहचान बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल बनाई है, सब बिल्कुल बनाई है। आप एक लोक संगीत के कलाकार रहे, ये जो राजस्थानी लोक संगीत था, क्योंकि आप इसी धरती में पले बड़े जी, तो किस तरह से इसकी ओर आपका आकर्षण हुआ? देखिए अगर आप ये कहेंगे तो पहले क्या होता था कि वो जो लोकल लैंग्वेज में उस समय कहते थे कि जो मांगने के लिए आती थी, रोटी दो भाई जी, रोटी दो, गरीब लोग जो आते थे उनको मंगती कहते थे। अच्छा, कि मंगती आई है, दादी जी को जाके कहते हैं, मदर को जाकर कहते हैं रोटी दो उसको देना है, तो वो कहती है उसको कहो गाना गाए। अच्छा, तो वो बाहर बैठ करके अपनी एक कोई फोक सॉन्ग या उसका जो होता था वो चार लाइनें, आठ लाइनें, दस लाइनें, और हम उकड़ू बैठ जाते हैं और हम सुनते रहते हैं, रोटी हाथ में होती, जब वो पूर्ण कर लेती तो मुझे आज भी एक 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 लाइन उसकी याद है, रेलगाड़ी आई मिठोड़ा अम्बालाई मारे राजा जी रे बाग सुमिठोड़ा अम्बालाई। अब मिठोड़ा आंबा लाई तो उस समय होता है मिठोड़ा आंबा तो ऐसा लगता है मुंह में आ गया और वो आज भी याद है। तो मेरे मन में जहन में ये था कि कैसे गाऊं, तो मैंने भी लोगों से कहा, क्यों गाना बिल्कुल आता नहीं था, औरों ने कहा प्रयास करिए, और अंत तो थोड़ा मित्रों के साथ करते करते और मैं आपको चकमा देने में समर्थ हुआ, ऑल इंडिया रेडियो ने आपने मुझे ग्रेट आर्टिस्ट बना दिया। जी, लेकिन वही है, लोक संगीत हमारा इतना समृद्ध है, मैं तो कहूंगी कि पूरे इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया गया है। आज हमारे कलाकार कहाँ कहाँ परफॉर्म करके आते हैं, आप ये देखिए साहब की चोई चंग पे थाप पड़ती है। लोक संगीत जो होता है, और संगीत तो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है, लेकिन लोक संगीत की बात करते हैं क्योंकि उसमें भाव प्रधानता है, उसमें शास्त्रीयता का इतना पुट नहीं है, उसमें उतना डिसिप्लिन और पांडित्य की बात नहीं है। तो मुद्दे की बात जो आती है, आदमी अपने आप को अटैच, आप ये देखिए होली आती है तो गींदड़ और धमाले और लुअर और क्या क्या सब जगह गैर ये निकलते हैं फला, अब तो थोड़ा वो कम हो रहा है, तो उसका पहले गाली गायन होता था, आप ये देखिए अश्लील गालियों का गायन होता था, अश्लील भी होती थी पुराने जमाने में। किस तरह से होता था जी, कैसे होता था गालियों का गायन? जैसे क्या होता था, सबके सगे संबंधी किया जाते, उनके बारने जाते, उनकी चौखट पर जाते, शादी हुई है तो फिर वो हास प्रयास, उस प्रेम उत्पन्न होता था, वो घृणा उत्पन्न नहीं होती थी उस गाली गायन से। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुनाएं, आज ये मौका भी है, और जब बात लोक संगीत की हो रही है तो लोक कलाकार हैं आप एक बार। मैं आपने चूंकि वैसे तो लोक संगीत काफी लोग सुनते रहते हैं, मैं गाली गायन में काजलियों है। अच्छा। और काजलियों में इसमें क्या है कि एक समधन जी है, वो थोड़ी नखरे वाली है और काजल डालती है, और एक कुंपली एक डिबिया है जो पलंग के नीचे पड़ी रहती है उसको लेकर के, और उसके बारे में वो इनवाइट करती है समधी जी को, आप आइए, और वो ये कहती है कि आप इस ऋतु में मत आइए, इस ऋतु में मत आइए और इस ऋतु में आइए, और फिर अंत में वो एक समस्या बताती है समधी जी की, मैं आ नहीं सकता, मेरी ये समस्या है, एक पंक्ति में वो एक पंक्ति में समाधान देती है। आप मुझे समय बता दें, मैं उस हिसाब से बोल दूं कितना, दो तीन तीन एक मिनट का है जी, बिल्कुल। तो काजलियों, काजल भरियो कूपलो, काजल भरियो कूपलो, ओ पड़ियो पिलंगरे हेट कोरो, काजलियो नेणा में मत सार कोरो, काजलियो मैं थाने सगोसा यूं कहो, मैं थाने सगोसा यूं कहो, थे ऊनाड़े मतियाव कोरो काजलियो, ऊनाड़ेरी रुत बुरी, ऊनाड़ेरी रुत बुरी, कोई टपके पसीनो रंग जाय कोरो काजलियो। अब वो चौमासे की बात आती है तो मना करती है, मैं थाने सगोसा यूं कहो, मैं थाने सगोसा यूं कहो, थे चौमासे मतियाव कोरो काजलियो, चौमासे री रुत बुरी, चौमासेरी रुत बुरी, कोई माणक माछर खाय कोरो काजलियो।
और अंत में वो कहती है सियाड़े में आइए, वो पंक्ति बता देता हूँ क्यों, सियाड़े री रुत भली कोई घाल बगल चिप जाए कोरो। तो ये हास प्रयास हो गया। और एक पंक्ति में आपको और थोड़ा सा मैं बता ही दूं कि वो कहता है मैं आ नहीं सकता, गोडा दुख है सगी सा मासू चढ़ियो ने उतरियो जाए कोरो काजलियो। तो वो कहती है सूट सधाई दू साहिबा थे उठो सो सो बार कोरो काजलियो। संक्षेप कर दिया मैंने, लेकिन ये भाव है। तो ये गाने गायन प्रेम भाव उत्पन्न होता था, ये लोक संगीत की ये महिमा है। ये बात थी काजलियों की, जिसको महेंद्र जी ने अपने सुरों में बयां किया। और अब चलते चलते बस ये जानना चाहेंगे कि ये जो परिवर्तन की धारा बह रही है, बहुत सा विकास हमारा प्रदेश कर रहा है, क्या सोचते हैं आप? बहुत सी अलग अलग चीज़ें भी यहाँ आकर इसमें विलय होती जा रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो उसकी नेचुरल चीज़ है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जो प्रदेश की एक अंतरूनी एक रूह होती है वो ख़त्म ना हो। देखिए वो खत्म हो नहीं सकती। कई लोग ये कहते हैं कि लोक संगीत विलुप्त हो जाएगा, लेकिन आप देखिए लोक संगीत तो दुनिया भर में छा गया। लोग नई नई रिसर्चेस कर रहे हैं, जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, साहित्य का सृजन कर रहे हैं, दुनिया भर में वो चीज़ें जा रही है, तो समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन आज क्या है कि आदमी दौड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहा है, और स्थितियां ये हो रही है कि कई जगह पर तो पति पत्नी हैं, दोनों सर्विस करते हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं, या बच्चे एक आध हैं तो वो रात को लेट आते हैं, खाना भी बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, सो जाते हैं, गेस्ट हाउस की तरह स्थितियां हो गई। तो इन चीज़ों में रमने का, इन चीज़ों की तरह ध्यान देने का और इन चीज़ों का प्रचार और प्रसार करने का और तदनुसार इन पर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करने का अवसर नहीं मिलता। तो मेरा अनुभव तो इस अवसर पर यही है कि हम सबको प्रयास करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानकारियाँ एकत्रित करनी चाहिए। और इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा, आज आप सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ले लीजिए, 50% सैलरीज मिलती है पेंशन के रूप में। एक व्यक्ति आज जो 2400 घंटे काम कर रहा है, अचानक वो घर बैठ गया, ऐसे सारे व्यक्तियों को प्लस अन्य जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उनकी सरकार लिस्ट बनाए, एकत्रित करे, उनको स्कूलों में भेजे अलग अलग विषयों में, राजस्थान राजस्थान और राजस्थान। तो ये जो भावी पीढ़ी है ये ट्रू एम्बेसडर्स बनेंगे राजस्थान के, ये दुनिया भर में फैलेंगे, और राजस्थान की जो पूरा संपदा है, राजस्थान का जो सांस्कृतिक वैभव है, उसका प्रचार और प्रसार करेंगे, तब स्थितियां कुछ जबरदस्त होंगी। एंड फिर सारे लोग भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, गौरवान्वित अनुभव करेंगे व्हेन दे विल बी टॉकिंग अबाउट राजस्थान। अभी क्या है, अज्ञानता के कारण कह नहीं सकते, हाँ अच्छी संस्कृति, अच्छा लोकगीत, अच्छे गाने, 10-5 गाने याद या दिसन, तो फिर वो कहेंगे कि ये नहीं नहीं नहीं। तो ये आप यूं समझ लीजिए कि लोक संगीत जो है वो शहद है, बाकी तो कोला है जो दूसरे जो सारे हैं, या कोई और राजस्थानी, अगर राजस्थानी के अतिरिक्त हिंदी गाने हैं उनको शरबत मान लीजिए,
उनको कोला मान लीजिए जो वेस्टर्न म्यूजिक है, लेकिन असली शहर तो लोक गीत है, लोक गायन है, लोक संगीत है, लोक है, आम आदमी है, आम आदमी है। यानी राजस्थान की जो खूबसूरत धाती है उसको निखारने की, संवारने की जरूरत है, और वो ये यंग जनरेशन जब तक इसके बारे में सीखेगी नहीं, जानेगी नहीं। साहब गाने के लिए मैं रोक रहा हूँ आपको, गाने के लिए आती है होली पर चार महिलाएं आकर के ढोलक बजा रहे हैं, उसको दुत्कार करके निकाल देते, अरे बैठाइए ना ग्रेसफुली, चाय पिलाइए, ठंडाई पिलाइए, 100 रुपए 50 रुपए दीजिए और उनको कहिए गाइए, और फिर आप देखिए क्या बात पैदा होती है। अभी आवश्यकता इन चीजों की है, हम तो दुत्कारते हैं साहब। तो बहुत ही खूबसूरत बातचीत का ये सिलसिला रहा महेंद्र सुराना जी, आपसे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। सुषमा जी आपने इतना कैनवास दिया और मुझे आपने बड़ा एक स्पॉन्टेनियसली और इंस्टेंटेनियसली जो बातें आई मैं कह सका, क्योंकि आपने तो छूट दे दी, जो चाहो जो कह दो। तो मुझे खुद को संकोच हो रहा था कि ऑल इंडिया रेडियो, भारत सरकार, ये क्या संभावना नहीं, पर आप तो स्माइल करती रही, बस यही इसी की अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को राजस्थान दिवस की और रामनवमी की। ढेरों शुभकामनाएं एक बार फिर आप सभी को आज राजस्थान दिवस और रामनवमी की। एंड नाउ दिस इज सुषमा साइनिंग ऑफ, चीयर्स। हो संदेशा, हो ना चिट्ठियां भी जाए